नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विजेंद्र विजय। आज हम चर्चा करेंगे ब्रांड वैल्यू का इलेक्शन। जी हां, छत्तीसगढ़ में अगले 5 महीने में चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों ही पार्टियां आमने सामने हैं। बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी रणनीति बनाकर एक दूसरे को घेरने की कोशिश में है। चुनाव के मद्देनजर दोनों ही पार्टियों की तरफ से बयानबाजियों का दौर जारी है। जहां एक तरफ बीजेपी अपने दिग्विजय घोड़े छोड़ने की बात कर रही है, तो वहीं कांग्रेस बीजेपी पर निशाना साधते हुए पूछ रही है कि बीजेपी घोड़ा छोड़े अपना नेता बताए कहाँ है। छत्तीसगढ़ की चुनावी तैयारियों पर पहले रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। चुनावी मोड में चल रहे छत्तीसगढ़ में अब आम चुनाव में 5 महीने का ही वक्त बचा है, जिसे देखते हुए सभी सियासी दलों और दिग्गजों ने भी अपना पूरा दमखम लगा दिया है। नए नए दाव और पैतरों के जरिए जनता तक पहुंचने की कवायद की जा रही है। एक तरफ बीते दिनों बस्तर में बीजेपी की तरफ से प्रदेश प्रभारी, सह प्रभारी और दिग्गज राष्ट्रीय नेता चुनावी दंगल में ताल ठोकते नजर आए, तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी संभागीय सम्मेलन के जरिए अपने कार्यकर्ताओं से लेकर मतदाताओं तक पैठ बनाने की कसरत करती नजर आई। वहीं आने वाले दिनों में जहां एक के बाद एक कई कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सियासी जमीन पर पकड़ मजबूत करने की मशक्कत करते नजर आएंगे, तो कांग्रेस प्रदेश के सभी विधानसभा में बूथ स्तरीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर जमीनी जमावट करेगी। छत्तीसगढ़ में चुनावी तैयारियां तेज होने के बाद भी बीजेपी की तरफ से अभी तक कोई चेहरा स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से लेकर प्रदेश संगठन तक सभी जीत का संकल्प लेने का दम भर रहे हैं। पूर्व मंत्री और विधायक अजय चंद्राकर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारी जीत बहुमत के साथ पक्की है। चुनौती सीएम का चेहरा होना ये कोई प्रश्न नहीं है। बहुमत आएगा, आपको सीएम दे देंगे हम, और हमने तो उसको चैलेंज किया कि हमने दिग्विजय घोड़ा ढील दिया। हिम्मत है तो कांग्रेस पकड़ के देखे उसको, हम रेडी हो चुके हैं। उधर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के बयान पर पलटवार करते हुए सीएम भूपेश ने कहा, बीजेपी पहले प्रदेश में अपनी स्थिति स्पष्ट कर ले। बीजेपी का कोई भी स्थानीय नेता स्पष्ट भूमिका में प्रदेश में नहीं दिख रहा है। आजकल तो देखो, न रमन सिंह जी का आता पता है, न धर्मलाल कौशिक जी का पता है, न ब्रिजमोहन जी का, न अजय जी का, और वो सब कुछ कोई है तो ओम माथुर है। आजकल मीडिया में भी वही दिखाई देते हैं, इंटरव्यू भी वही दे रहे हैं, दौरा भी वही कर रहे हैं, और ये लोग केवल ट्विटर खेल रहे हैं। बहरहाल मिशन 2023 की तैयारियों में जुटी भूपेश सरकार किसानों मजदूरों समेत अन्य वर्गों के लिए शुरू की गई सरकार की योजनाओं के दम पर चुनावी मैदान में ताल ठोकने जा रही है। वहीं बीजेपी केंद्र की मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों और भूपेश सरकार की नाकामियों का लेखा जोखा लेकर जनता के बीच जा रही है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा, क्या सूबे की जनता भूपेश सरकार की योजनाओं पर मुहर लगाकर कांग्रेस को फिर से सत्ता का ताज सौंपेगी, या फिर केंद्र की मोदी सरकार की योजनाओं के आधार पर छत्तीसगढ़ में भी डबल इंजन की सरकार को मौका देगी। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से स्वाति रविकांत कौशिक की रिपोर्ट। इस मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। मैं उनका तारुफ करा देता हूं। प्रकाश मणि वैष्णव जी हमारे साथ है, कांग्रेस नेता, आपका स्वागत है चर्चा में। मुकेश शर्मा जी हमारे साथ है, बीजेपी नेता। अनिरुद्ध दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। मेरा पहला सवाल वैष्णव जी आपसे है, आप कह रहे हैं कि ओम माथुर ही सब कुछ है, तो आपकी पार्टी में भी तो कुमारी शैलजा और भूपेश बघेल ही सब कुछ है। जी ऐसा नहीं है, हमारे पार्टी में कार्यकर्ता सब कुछ है जी। यहाँ भूपेश बघेल जी का भी उतना ही महत्व है, यहाँ मोहन मरकाम जी का भी उतना ही महत्व है, शैलजा जी का भी उतना ही महत्व है, कार्यकर्ताओं का भी उतना ही महत्व है, और सब हम एक साथ मिलकर जो है चुनाव लड़ते हैं और संगठन को खड़ा करते हैं। संगठन जो है सबसे मिलकर बना हुआ हमारे कांग्रेस पार्टी में, और लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो है स्थिति स्पष्ट नहीं है नेताओं की। इनके यहाँ 4 साल में 3-3 4-4 प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए जाते हैं,
इनके आप प्रभारी लगातार बदल लिए जाते हैं, इनके प्रभारी कहते हैं कि हंटर मार के ठीक कर दिया जाएगा, तो तरह तरह की बातें जो है भारतीय जनता पार्टी के अंदर से आती रहती है। हाल ही में आपने देखा होगा कि इनके वरिष्ठतम नेता नंद कुमार साय जो एसटी आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, इतने बड़े आदिवासी नेता, उन्होंने षड्यंत्र का आरोप लगाया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर और भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में आ गए। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर कई खानों में जो है राजनीति बटी हुई है और लगातार गुटबाजी इनके बीच है। और सबसे बड़ी बात, इनके भीतर इनके पार्टी में कोई चेहरा ही स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। ये बार बार कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे। अरे भाई, कर्नाटक में तो आपने लड़ा था नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर चुनाव, 40-40, 50-50 रैलियां की नरेंद्र मोदी जी ने, क्या हाल हुआ? वही स्थिति भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में भी होने वाली है। और भारतीय जनता पार्टी अभी तक ये नहीं समझ पाई है कि छत्तीसगढ़ की जनता भ्रम की राजनीति को, सांप्रदायिकता की राजनीति को पसंद नहीं करती। यहां की छत्तीसगढ़ की जनता काम को पसंद करती है और काम को पसंद कर रही है। कांग्रेस की सरकार यहां काम कर रही है, प्रत्येक वर्ग के लिए काम कर रही है। कोई भी ऐसा घर नहीं है जिस घर से एक भी आदमी ये कह दे कि हमारे घर में किसी भी योजना का लाभ हमारे किसी भी परिवार के सदस्य को नहीं मिल रहा है। प्रत्येक वर्ग के लिए काम कर रहा है, आपके पास हो चाहे कर्मचारी, सबके लिए लगातार काम हो रहा है। अजय चंद्राकर कह रहे हैं कि हमने दिग्विजय घोड़ा छोड़ दिया है, तो ये तो बता दीजिए कि ये घोड़ा आपको कितनी सीटें जिताने वाला है 2023 के विधानसभा चुनाव में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी भी चुनाव के समय काम करती है या संगठन का काम चुनाव के समय चलता है, ऐसा नहीं है। सतत रूप से लगातार भारतीय जनता पार्टी के 35 संगठन जिले, 430 हमारे शक्ति केंद्र हैं, 2824 हमारे बूथ हैं, इन पे लगातार काम चालू रहता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम लगातार चालू रहते हैं। निश्चित रूप से आने वाले समय में चुनाव के दृष्टि से हमारे विशेष संपर्क अभियान चलाए जा रहे हैं जी। उस दृष्टि से अनेक कार्यक्रम हमने आयोजित किए हैं। रही बात कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी के वादा खिलाफी और कांग्रेस पार्टी की तुष्टीकरण नीति से यहाँ की जनता परेशान है। और निश्चित रूप से जनता को ऐसा लग रहा है कि इनको भुलावे में रखा गया, इनके साथ जो जन घोषणा पत्र में वादा किया गया था और जिसके लिए इनको इतना बड़ा जनादेश मिला, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने जनादेश का अपमान किया है। प्रदेश की जनता समझ रही है, 2023 के चुनाव में प्रदेश की जनता सबक सिखाने वाली है कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इतने अंतर विरोध से दूर रही आपके पास जी। जी दुबे साहब, एक तरफ बीजेपी है जो जिसके पास संगठन की शक्ति है, जिसका लोहा कांग्रेस भी मानती है कहीं ना कहीं कि बीजेपी के संगठन में शक्ति है, एकजुटता है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है जिसको अपनी सरकार की योजनाओं पर भरोसा है। कैसे देखते हैं आप ये फाइट जो होने वाली है 2023 में, वो कहां तक जाएगी? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जो है काडर वेस्ट पार्टी मानी जाती है, और भारतीय जनता पार्टी में संगठन जो है जब से वो अस्तित्व में आई 80 के दशक से, तब से जो है बहुत मजबूत माना जाता है। और वहां पे संगठन में जो बड़े नेता जो बात कहते हैं वो पत्थर की लकीर होता है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी का अंतर विरोध जो है वो बहुत जल्दी खुलकर सामने नहीं आता और कभी कभी नहीं आता, ये भी सच है, ये भी एक खूबी है। लेकिन जहां तक बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस हमेशा से जो है दावा करती रही है कि वो एक लोकतांत्रिक पार्टी है। और दूसरी बात यह है कि अब तो पूरे जो है दोनों पार्टियां इलेक्शन बोर्ड में आ ही गई हैं, करीब 5 महीने बचे हैं और अपने अपने जो है बिल्कुल मतलब है ना, देखिए कांग्रेस जो है संभागी सम्मेलन कांग्रेस ने किया जी। अब उसका विधानसभावार प्रशिक्षण शिविर शुरू हो गया है। विधानसभावार प्रशिक्षण शिविर मतलब चुनावी तैयारियां। भारतीय जनता पार्टी की बात करूं मैं तो 405 मंडलों में इनके 20 नेता पहुंचे और कई सारे प्रश्नों को लेकर उनके 20 नेता 405 मंडलों में गए। यहां तक कि ये भी उनके उसमें जो है जो कागज में उन्होंने लिख के रखा उसमें ये भी शामिल है, जैसे मैं अन्य सूत्रों से सुनता हूं ये, कि कौन जो है पार्टी का ही व्यक्ति खतरनाक हो सकता है। मतलब इतने निचले स्तर पे उनकी भारी तैयारी है, तो अच्छा है, वो होना भी चाहिए एक पार्टी के लिए। लेकिन एक अभी जो है बात जो आई भारतीय जनता पार्टी के चेहरे को लेकर, जो अभी आपकी जो बाइट देख रहा था उसमें, तो चेहरा जो है भारतीय जनता पार्टी हो सकता है कि आखिरी समय में ले आए,
क्योंकि अभी यहाँ पे जो है पिछड़ा वर्ग के दो नेताओं के नामों की बहुत जबरदस्ती चर्चा है, क्योंकि अभी दो दिन या तीन दिन की यात्रा पे रमेश भाई जी छत्तीसगढ़ आए थे, महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, वो ओबीसी वर्ग से हैं, 7 बार के सांसद रहे हैं और उनकी सक्रियता जो है अपने तरीके की दिखी, चूंकि वो प्रोटोकॉल में बंधे रहते हैं, उसका वो पालन पूरा पालन करते हैं जी। तो उस तरीके का ऐसा कोई उनका नेचर सामने नहीं आता कि कोई राजनीतिक गतिविधियों में वो संलग्न हो, लेकिन उनकी जो सक्रियता जो है वो एक कुछ मतलब ऐसा एक संकेत देती है, उससे एक हवा नजर आती है कि कहीं कुछ बैंस जी की सक्रियता आखिर अचानक क्यों हुई। दूसरी, अरुण शाह प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हैं, कुछ सोच के ही उनको सामने लाया गया। और दूसरी बात यह है कि जहां तक कांग्रेस की बात मैं करूं, तो इस समय भूपेश बघेल जी ने खुद अपने हाथों में मोर्चा संभाला हुआ है और संभागीय शिविर में उनके जो भी जो है बयान आए या जो भी उन्होंने पार्टी के लोगों के बीच में कहा, खुलकर कहा और आक्रामक तरीके से कहा। ठीक है वैष्णव जी, कल सीएम ने एनएसयूआई के कार्यक्रम में कहा कि हम सरकार तो बना लेते हैं, सत्ता में आ जाते हैं, लेकिन रिपीट नहीं कर पाते, तो कैसे रिपीट करेंगे आप छत्तीसगढ़ में इस बार अपनी सरकार को? नहीं, भूपेश बघेल जी ने जो कहा उसका अर्थ कुछ और था, और जहां तक बात है छत्तीसगढ़ में रिपीट करने की, तो यहां हमारा काम बोलता है। मैंने पहले ही कहा कि काम जो है हमने यहां इतना किया है, छत्तीसगढ़ की जनता स्वयं उसे महसूस कर रही है, और जिस जब जनता किसी काम को महसूस करने लगती है, जब उसे लगने लगता है कि हाँ विकास हो रहा है, उसे लगता है कि हाँ 2 पैसे ज्यादा मेरे जेब में आ रहे हैं, उसे लगता है कि बेरोजगारी दूर हो रही है, तब जब उसको लगता है कि आर्थिक प्रगति हो रही है उसकी, तो इन सब बातों को कोई भी झुठला नहीं सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी कितना भी इसे झुठलाने का प्रयास करे, जो व्यक्ति डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ले रहा है उसे झुठलाया नहीं जा सकता, और वो जनता वो कांग्रेस को छोड़कर किसी और के पास जाने वाली नहीं है। और जहां तक हो रही थी ब्रांड की बात, तो ब्रांड राजनीति में ब्रांड कैसे बनता है उस पर हमें पहले समझ लेना चाहिए। जो नेता अपने वादों को पूरा करता है, जो नेता अपने जनता के लिए काम करता है, अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक जो है योजना का लाभ पहुंचाने का प्रयास करता है, तब उस व्यक्ति का ब्रांड बनता है। और जहां तक बात नरेंद्र मोदी जी की, जब से सत्ता में आए तब से वादा खिलाफी की है, इनकी बात को ही अमित शाह जो दूसरे बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी में, वो जुमला करार दे देते हैं। तो लगातार जो है बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, ना इन्होंने वादा पूरा किया, ना ये राष्ट्रीय सुरक्षा दे पा रहे हैं, ना देश को आंतरिक सुरक्षा दे पा रहे हैं, चीन हमारे देश में कब्जा कर ले रहा है, मणिपुर की स्थिति आप जानते हैं, तो ये सब स्थिति है। तो हर मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी फेल है, चाहे देश की बात करें चाहे प्रदेश की बात करें, और कांग्रेस पार्टी लगातार काम कर रही है जनता के लिए, और जनता के मन में बहुत गहरी जो है स्थापित हो चुकी है कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी कोई भी हटा नहीं सकता है छत्तीसगढ़ से। ठीक है मुकेश जी, कांग्रेस की तरफ से तो इफ एंड बट है ही नहीं, उनके वहां से तय है कि भूपेश बघेल चेहरा होंगे सीएम फेस का, लेकिन अगर आपकी पार्टी सीएम फेस नहीं देती है तो क्या आपकी पार्टी को इससे नुकसान होगा? देखिए, इसके पहले जो 2018 में चुनाव हुए थे उस समय क्या भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री के चेहरा थे? ऐसा नहीं था। और भारतीय जनता पार्टी में अनुभवी नेताओं का एक पूरा फेहरिस्ट है जी। 15 साल के कैबिनेट के मंत्री हमारे अनुभवी मंत्री हैं हमारे पास में, तो भारतीय जनता पार्टी में कहीं कोई चेहरा को लेके दिक्कत नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी कभी भी सामूहिक प्रयास पर, संगठन स्तर के प्रयास पर विश्वास रखती है, भारतीय जनता पार्टी का वह प्रयास लगातार जारी है। और रही बात यह कांग्रेस के प्रवक्ता भाई दुनिया भर का काम बता रहे थे, मैं उनसे पूछता हूँ एक काम बताए, वो एक काम, एक ऐसी कोई योजना हो जिसका क्रियान्वयन हुआ हो, जिसका परिणाम आया हो। अरे हजार काम गिना दूंगा आपको, हजार काम गिना दूंगा, हजार काम, एक नहीं हजार काम गिनाऊंगा, लेकिन एक, अरे गोठान में तो आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हो, ठग रहे हो, घोटाले कर रहे हो यार। अगर मुझे समय ये सुन रहे, अब इनको दुखती रखते हाथ रहे, दुखती रखते कहीं ना कहीं इनका झूठ पकड़ा गया है, इसलिए इनको सत्य कड़वा होता है। स्कूल प्रत्यक्ष गोठान को लेकर दुनिया भर का ये प्रचार प्रसार करते रहे, प्रत्यक्ष दिख रही है, किसान न्याय योजना प्रत्यक्ष दिख रहा है, दाई गोठान का क्या किया दिख रहा है, तमाम प्रकार का घोटाला, 20 क्विंटल प्रति एकड़ जो किया है धान का, धान का रकबा बढ़ाकर जो हम आदिवासियों से धान का घोटाला का जो हमने समर्थन मूल्य बढ़ाया है, हजार बोलने से समझ में आ रहा है, हजार
चार काम गिना दूंगा, एक नहीं, और आप के वादा खिलाफी भी गिना दूंगा। आप जिस प्रकार से बेरोजगारी भत्ते की बात की, युवाओं से तीन बार सरकार में आए, तीनों बार आपने वादा खिलाफी की, आपने 21 रुपए की बात की, वादा खिलाफी की बात की, वादा खिलाफी की, तो जनता समझ चुकी है ये बीच में बोलना इसका समझ में आ रहा है। 1000 काम गिनाऊंगा और आपके 2000 वादा खिलाफी गिनाऊंगा। ठीक है मुकेश जी, वैष्णव जी आऊंगा मैं, दुबे जी का रुख करूंगा। दुबे जी, अगर आपसे कहा जाए कि बीजेपी और कांग्रेस की दो खूबियां दो खामियां बतानी है तो आप कैसे इसका विश्लेषण करेंगे? देखिए, आपका सब्जेक्ट बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, ब्रांड वैल्यू का इलेक्शन जी, लेकिन आपने बिल्कुल कठिन सवाल मेरे सामने रख दिया, दो खूबियां और दो नाकामियां जी। तो पहले जो है नाकामियां शब्द थोड़ा सा हटा देता हूं मैं, खामी मतलब खामी कुछ से कमी खामी, जी कुछ कमी नजर आती है ऐसा कह दें, क्योंकि सीधे सीधे किसी भी पार्टी की जी क्या ये एकदम आलोचना कर देना भी ठीक नहीं है। जहां तक के मैं कांग्रेस की बात करूं तो यहां तक है कि नंद कुमार पटेल जी के आने के बाद जब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जिस समय थे 2013 में, जो जब झीरम घाटी में जिनका जो है मतलब शहादत हुई जी, उस समय से जो है कांग्रेस जो है बैक हुई है, पटरी पर आई है, तो एक मजबूत स्थिति में पहुंची। और आज जो है कांग्रेस जो है उस समय संगठन मजबूत हो चुका था, तो संगठन आज भी कांग्रेस का जो है मजबूत नजर आता है, और उसी संगठन से निकलकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष से मुख्यमंत्री बने भूपेश बघेल जी। और दूसरी बात यह है कि एक लोकतांत्रिक जो है, मैं इस शब्द का पहले भी इस्तेमाल किया, थोड़ा वहां पर कहने की और कुछ कहने की और सामने बात को रख पाने की वहां पर छूट है जी। ये जो है वहां पे एक दूसरी खासियत नजर आती है, क्योंकि मैंने कई देखा कि कई लोग वहां पे निलंबित होते हैं, निष्कासित होते हैं, फिर एक समय के बाद उनको क्षमा कर दिया जाता है और वो पार्टी में वापसी हो जाती है। दो बहुत साधारण बात है जो मैंने खूबी के तौर पर पेश की। मैं अब कमियों की बात करूं, दो कमियां तो इसमें यही है कि एक जो मैंने खूबी बताई तो उसमें यह कि जो लोकतांत्रिक पार्टी होने के कारण कभी कभी क्या है कि स्वच्छंद वातावरण भी दिखने लग जाता है, स्वच्छंद वातावरण दिखने लग जाता है तो उसमें कई सारी चीजें ऐसी है कि जो क्या मतलब शब्दों में नियंत्रण नहीं रह पाता और लोग कहे जाते हैं, खुलकर कहे जाते हैं, ये एक जो है कांग्रेस में है। तो एक अगर के आप इसको कमी के रूप में देख ले, और दूसरी बात जो है जहां तक है कांग्रेस में जो ये मैं कह सकता हूं दूसरी बात कि एक जो है देखिए होड़ तो है हर किसी की इसमें रहती है, मतलब महत्वाकांक्षाएं राजनीति में किसकी नहीं रहती, लेकिन जो है वहां पे महत्वाकांक्षाओं का खुलकर सामने आ जाना और खुलकर सामने के आने के बाद जो है विवाद जो होते हैं और जो चीजें होती है तो वो जो है उसको ठंडा करने में, उसको पानी डालने में नेताओं को बहुत वक्त लग जाता है। ये दो खूबी और दो जो कमी थी, ये छोटी छोटी बातें थी। अब भारतीय जनता पार्टी की मैं बात करूं तो निश्चित रूप से संगठन के तौर पर देखा जाए तो एक बहुत मजबूत पाता हूं, और संगठन के साथ उसी में पहली खूबी में जोड़ लें कि गोपनीयता, भारतीय जनता पार्टी में गोपनीयता जो है काफी हद तक बरकरार रहती है जी। और तीसरी बात जो है वहां पे मतलब धैर्य, दूसरी खूबी की बात कर रहा हूं मैं, धैर्य। जब ये भारतीय जनता पार्टी 2018 के विधानसभा चुनाव में जब नतीजे आए और एक तरफा जो है कांग्रेस के पक्ष में सारी चीजें गई, 68 सीट जीती, और उस समय जो है लोकसभा में जितने सब मतलब सिटिंग जो है सांसद थे सारे के सारे लोगों की कटी, किसी ने धैर्य नहीं खोया, कोई किसी दूसरी पार्टी की तरफ उसने मुंह नहीं किया, अनर्गल बयानबाजी नहीं हुई, यहां तक कि जिन रमेश दास जी की बात किया हूं उनको तो खुदा आमंत्रण भेजा गया था, मतलब एक बड़ी पार्टी की तरफ से कि अगर कहीं कोई वहां पे अगर कहीं आपका मान सम्मान नहीं हो रहा तो हमारे दरवाजे खोले, लेकिन तब भी जो है बहुत मतलब धैर्य का परिचय दिया। यही कारण है कि एक नहीं तीन राज्यों के एक के बाद एक सिक्किम, झारखंड और महाराष्ट्र के वो राज्यपाल बने। ये मैंने दो खूबियां गिना दी। और अब जो जहां तक के जो है कमी की बात है भारतीय जनता पार्टी में, तो एक जो है बड़ी कमी ये दिखाई देती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का पहला कार्यकाल बहुत अच्छा था निसंदेह, इंफ्रास्ट्रक्चर और बहुत सारी चीजों पे काम हुआ। दूसरे कार्यकाल में 2 रुपए किलो चावल और बहुत सारी चीजें हुई, आखिरी तक पहुंची सरकार, ये भी बहुत अच्छी बात थी। लेकिन तीसरे में जो वहां पे जो एक अंतर नजर आया, कार्यकर्ताओं में नाराजगी पैदा हो गई थी जब भारतीय जनता पार्टी का तीसरा शासन काल था, कार्यकर्ता यहां तक कि चुनाव में घर बैठ गए थे, तो जो असमानता नजर आई वो असमानता मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि अभी भी पूरी तरह नहीं पटी है, ये एक कमी है। और दूसरी बात यह है कि यहां पे जो है भारतीय जनता पार्टी में एक चेहरे वाली बात है। देखिए, आज आपका सब्जेक्ट है ब्रांड वैल्यू का इलेक्शन, कई बार ऐसा होता है कि जो बहुत बड़ा ब्रांड बन जाता है उसकी चमक जो है खोती हुई भी नजर आती है, तो ये भी एक चिंतन का विषय है।
कि अगर आप 15 साल अगर सत्ता में रहे तो किसकी चमक कम हुई और कौन आज कहां पर है, ये भी एक सोच का विषय है। तो जो कुछ चेहरे जो थे बड़े चेहरे जी, उनकी चमक कहीं ना कहीं अगर कहीं कम होती नजर आई है तो इसे भी आप कमी के तौर पर देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है वैष्णव जी, तमाम विश्लेषण आपने सुना दुबे जी की ओर से कि आपकी क्या खूबियां हैं, क्या खामियां हैं, बीजेपी के बारे में भी उन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन जितनी सहानुभूति आपको अपनी पार्टी के नेताओं से नहीं होती आजकल, उससे ज्यादा सहानुभूति आपको बीजेपी के नेताओं के लिए है कि रमन सिंह को काम नहीं दिया जा रहा है, बृजमोहन अग्रवाल के पास काम नहीं है, कौशिक जी के पास काम नहीं है, वो मातुर अकेले अकेले घूम रहे हैं, इतनी सहानुभूति क्यों विपक्ष की पार्टी के लोगों से? कांग्रेस पार्टी तो प्रत्येक व्यक्ति के प्रति सहानुभूति रखती है, इस देश में जो व्यक्ति पैदा हुआ है उसके प्रति सहानुभूति कांग्रेस पार्टी रखती है, चाहे कांग्रेस पार्टी का हो, चाहे आम जनता का हो, चाहे विपक्ष का हो। और जाहिर सी बात है चिंता की बात है, क्योंकि वो लोग हमारे प्रदेश के भी निवासी हैं, तो हमें चिंता रहती है कि उन्हें काम क्यों नहीं दिया जा रहा है, तो इस बात की चिंता। अरे अपने पार्टी के अंदर विरोध का बात सुन लो यार, भारतीय जनता पार्टी के अंतर कलह, भारतीय जनता पार्टी के अंतर कलह की जो बात है आप देखेंगे, हाल ही नंद कुमार साहब जी ये व्याकुल मत होइए, व्याकुल मत, लगता है आप पहले ही समझ गए कि मैं क्या बोलने वाला हूँ, आप पहले ही समझ गए लगता है कि मैं नंद कुमार साहब की बात करने वाला हूँ। नंद कुमार साहब जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर षड्यंत्र का आरोप लगाते हैं कांग्रेस पार्टी में आ गए, जिस प्रकार से प्रेम प्रकाश पांडे सरोज पांडे के बीच जो है अंतर कलह देखने को मिलता है, भूपेश बघेल अजय चंद्राकर के बीच अंतर कलह देखने को मिलता है, इस प्रकार के प्रभारी यहाँ आते हैं हंटर मारने की बात करते हैं, हंटर मार के ठीक कर देंगे, खुद कर बहा देंगे, इस प्रकार की बातें जो है भारतीय जनता पार्टी के अंदर होती रहती है और कांग्रेस पार्टी में कोई अंतर कलह वाली बात नहीं। को छोड़कर सब कुछ करना ये कांग्रेस की सरकार का काम है, ये खाली अपने आकाओं को खुश करना इनका काम है, भारतीय जनता पार्टी की चिंता करने की और 4.5 सालों में जनता ने देखा है कि विकास क्या होता है, 15 साल तो भ्रष्टाचार का रास्ता, कमीशन खोरी का रास्ता, भ्रष्टाचार के पितामह रमन सिंह खुले मन से कहा करते थे कार्यकर्ताओं को कि 1 साल के लिए कमीशन खोरी छोड़ दो, हमारी सरकार को हिला नहीं पाएगा, तो इस प्रकार की बातें भारतीय जनता पार्टी के अंदर होती थी। इंदिरा प्रदर्शनी बैंक घोटाला हुआ, पनामा पेपर घोटाला हुआ, चावल घोटाला हुआ, रतन जोग घोटाला हुआ, कई प्रकार के घोटाले भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ ने देखे हैं। कांग्रेस पार्टी के राज में तो विकास हो रहा है, आदिवासियों से समर्थन मूल्य पर उपज खरीदा जा रहा है, किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदा जा रहा है, बेरोजगार जो बेरोजगारों के जेब में पैसा जा रहा है 25 रूपए, तो तमाम प्रकार के काम छत्तीसगढ़ की सरकार, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार आने के बाद हुए और छत्तीसगढ़ में वास्तव में समझ में आया है जनता को कि विकास क्या होता है, विकास की असली परिभाषा क्या होती है, छत्तीसगढ़ की जनता ने पहली बार देखा है। और भारतीय जनता पार्टी को सारे इनके मुद्दे फेल हो चुके हैं, पहले इन्होंने भ्रम की राजनीति की, झूठ की राजनीति की, फेल हो गया, सांप्रदायिकता की राजनीति की, फेल हो गया, तो अभी भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, उससे जनता को कोई फर्क पड़ने वाला है, कांग्रेस पार्टी कोई फर्क पड़ने वाला। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि उनके पास तो ब्रांड बघेल है, ब्रांड है उनके पास में, छत्तीसगढ़ मॉडल है उनके पास में, कैसे मुकाबला करेंगे आप 2023 के विधानसभा चुनाव में? सबसे बड़ा दिक्कत है, वही तो सबसे बड़ा दिक्कत है कि इतना वादा खिलाफी इन्होंने किया है, कहां है नगरीय निकाय टैक्स आधा करने की बात इन्होंने किया था, बेरोजगारी 90% वादे किए हैं, 21 रूपए समर्थन मूल्य पर धोखेबाजी करने वाले, बेरोजगारी भत्ते के नाम पर धोखेबाजी करने वाले, वादा खिलाफी की बात कर रहे हैं। अरे कौन सा वादा पूरा किया भैया, न प्रदेश में नमन सिंह ने वादा पूरा किया, न देश में नरेंद्र मोदी वादा पूरा कर रहे हैं, 2 करोड़ रोजगार देंगे प्रतिवर्ष, किसानों की आय दुगनी कर देंगे, 15 लाख रुपए देंगे, तमाम प्रकार के वादे किए नरेंद्र मोदी जी ने, एक वादा पूरा हुआ? अरे उनके ही बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के उन्हें जुमलाबाज कह देते हैं, ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी के अंदर, वादा खिलाफी की बात करने का अधिकार हो चुके हैं, देश में आप बात कर सकते हैं वादा खिलाफी पर, प्रदेश में बात कर सकते हैं, फिर भी आपको समझ में नहीं आता है, गरीबों को पूरा हक मिला है, भारतीय जनता पार्टी को हक नहीं मिल रहा है कमीशन खाने का, इस बात का दर्द है आपको, हम गरीबों को, जनता को तो पूरा हक मिला है, जो लोग मिलने चाहिए तो सारे आऊंगा आपके पास, पार्टी को दुबे साहब के पास जाऊंगा, दुबे साहब राजनाथ सिंह आ रहे हैं, अमित शाह आ रहे हैं, जेपी नड्डा आ रहे हैं छत्तीसगढ़, क्या कुछ हासिल कर पाएगी बीजेपी? देखिए सबसे बड़ी बात तो अमित शाह जी जो है दुर्ग जिले में जा रहे हैं और दुर्ग जिला जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का क्षेत्र माना जाता है जी। राजनाथ सिंह जी बहुत लंबे समय बाद आ रहे हैं और राजनाथ सिंह जी जो है यहां की परिस्थितियों से भली भांति वाकिफ है और नड्डा जी भी, क्योंकि दोनों एक समय जो प्रभारी के तौर पर जो है छत्तीसगढ़ में काम कर चुके हैं और शायद इसी जो है रणनीति के तहत राजनाथ सिंह जी और नड्डा जी यहां पे आ भी रहे हैं। और देखिए क्या है कि
जहां तक मैं भारतीय जनता पार्टी की जो है फितरत मतलब एक नेचर प्रकृति जानता हूं जी, मतलब एक समय के बाद थोड़े समय के बाद एक अच्छा वातावरण तैयार कर सकने वाली पार्टी में मानता हूं, क्योंकि मैंने 2003 का भी दौर देखा था, जोगी सरकार रिपीट हो रही है, जोगी सरकार रिपीट हो रही है कहा जा रहा था, और कुछ ऐसे हालात बने, कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि भारतीय जनता पार्टी जो है ने बहुमत हासिल किया, डॉक्टर रमन सिंह ने कहा मुख्यमंत्री बने, नजर आ रहे हैं, कोई नजर नहीं आ रहा है सामने, तो संदेश साफ है कि कोई नहीं है टक्कर में, सीएम कह रहे हैं कि ओम माथुर है सामने और कोई भी नहीं है। देखिए क्या इसमें कोई दो मत नहीं कि पिछले महीने भर से जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जो है बहुत आक्रामक तरीके से ओम माथुर जी पे टिप्पणी करते नजर आ रहे हैं, और ओम माथुर जी वो शख्सियत है कि जिन्होंने उत्तर प्रदेश जब वहां पे जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो वहां पे उत्तर प्रदेश के ओम माथुर प्रभारी जी हुआ करते थे, और शायद वही उनके विलक्षण अनुभव को देखते हुए छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी सौंपी गई जी। लेकिन ये ऐसा नहीं है, देखिए वातावरण जो है ना बहुत कब कैसा कैसा मोड़ ले ले, आज की तारीख में देखा जाए सरकार कभी है, इसलिए चर्चा को यही विराम देना होगा। कांग्रेस नेता वैष्णव जी हमारे साथ थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुकेश शर्मा जी आपका शुक्रिया, अनिरुद्ध दुबे जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चुनावी साल में पक्ष और विपक्ष दोनों ने कमर कस ली है, बीजेपी अपने संगठन की शक्ति के भरोसे मैदान में है, तो मौजूदा कांग्रेस सरकार को अपनी योजनाओं पर पूरा भरोसा है, लेकिन जनता की कसौटी पर कौन खरा उतरा और कौन नहीं, ये तो चुनाव के नतीजों से ही साफ होगा। खैर चर्चा में आज के लिए इतना ही, आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस, नमस्कार। We'll be right back.